नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस। टोक्यो ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी, बजरंग पुनिया ने की भारतीय दल की अगुवाई। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी केंद्र सरकार। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा समारोह। जेपी नड्डा का मिशन यूपी, आगरा में सीएम योगी के साथ पदाधिकारियों से संवाद। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों विधायकों के टिकट कटने के भी संकेत दिए। बीजेपी का अखिलेश पर पलटवार, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूछा अब्बा जान से क्या दिक्कत है। मुलायम सिंह अखिलेश को बुलाते हैं टीप। हाड़ौती में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा बूंदी क्षेत्र का लिया जायजा। पीड़ितों का सुना दुख दर्द, जल्द मदद करने का आश्वासन। सरकार की आदिवासी समाज को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जय मीनेश यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। कहा कि नॉलेज इज पावर, जो समाज शिक्षा पर जोर देगा वही आगे बढ़ेगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, जिलेवार प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सौंपी जयपुर की कमान। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत का देवलोकगमन, महंत किशोरपुरी महाराज ने जयपुर स्थित आवास पर ली अंतिम सांस। निधन से मेहंदीपुर बालाजी में दौड़ी शोक की लहर। जयपुर में एमटीएस भर्ती परीक्षा में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों से पकड़े गए 7 फर्जी अभ्यर्थी, हरियाणा झारखंड और छत्तीसगढ़ के हैं फर्जी अभ्यर्थी। अलवर में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म, बालिका के पिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। ब्लैकमेल कर हैवानियत करने का आरोप। झालावाड़ के भवानी मंडी में बेखौफ बदमाश, दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात। पिस्टल दिखाकर डॉक्टर की पत्नी और बेटी को बनाया बंधक, नकदी और आभूषण लेकर फरार हुए।